हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर में होंगे, सब अच्छे से होंगे, फेस्टिवल्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आज का टोटली कलेक्शन पार्टी वेयर होने वाला है। ट्रेंडी आउटफिट में शेयर करने वाली, 7 आउटफिट में आपको शेयर करूंगी। ज्यादा इसमें कुर्तीज है और इवन एक आधा आपको कुर्ता सेट देखने मिलेगा, लेकिन बहुत ही प्रिटी से है। जैसे जैसे प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं, मैंने सोचा कि जल्दी से आपके लिए हॉल वीडियो रेडी कर देती हूँ। तो आज का हॉल वीडियो है मीशो से, और मीशो में लगने वाली संडे महा सेल, जिसमें आई थिंक इनके प्राइसेस और कम हो जाएंगे। तो मोटिव यही था वीडियो को जल्दी बनाने का कि आपको ये अच्छे नॉमिनल प्राइस में आउटफिट मिल जाए। सच में सारे ही बहुत प्रिटी मुझे रिसीव हुए हैं और सारे ही गुड क्वालिटी के हैं। डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, बस आपको चेकआउट करना है मीशो महा सेल को। और बस करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो मैं कुर्ती आपको दिखाने वाली हूँ, फर्स्ट आप लुक देख लीजिए, इस तरीके से आपको मिलने वाली है। फ्रंट में आपको पूरा इस तरीके का वर्क मिलने वाला है, पूरा अनारकली स्टाइल आपको यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। एल साइज मैंने पिक किया। योग पार्ट में आपको हैवी सीक्वेंस का वर्क मिलने वाला है इस तरीके से, और आपको जरी वर्क की डिटेलिंग मिलेगी इस तरीके से। एल साइज जनरली मैं एल साइज ही वेयर करती हूँ, और सारी कुर्ती इस तरीके से ना आप उनके साथ अच्छा सा रेडी होते हो, अच्छा सा ज्वेलरी पेयरअप करते हो, तो सारी गुड टू गो वाली कुर्ती है। तो इस तरीके की यह कुर्ती रिसीव होने वाली है। फॉइल प्रिंट हो रखा है, लेकिन काफी अच्छा है, डिजाइन वर्क मिलेगा, काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी आपको मिली है, साइड में गोटा पट्टी की डिटेलिंग है। पूरी फॉइल प्रिंट की कुर्ती आपको मिलने वाली है। डार्क ग्रीन शेड में आपको इस तरह का यहाँ पे प्रिंट वर्क मिलने वाला है, और फॉइल प्रिंटिंग भी हो रखी है, जो कि फेस्टिवल में हमेशा ट्रेंडिंग रहती है। इस तरीके की आपको ये अनारकली रिसीव होगी। स्लीव की बात की जाए, 3-4 स्लीव्स आपको मिलेंगे, 2 फैब्रिक यहाँ पे ज्वाइन करे हुए। फर्स्ट में छोटे फ्लावर मिले हैं, और यहाँ पे आपको थोड़े बिगर वाले फ्लावर मिले, इस तरह की डिटेलिंग आपको मिलेगी। और यहाँ पे ट्राइंगल लेस की भी डिटेलिंग मिली है इस तरीके से। फ्लेयर की बात की जाए, इस तरीके का आपको काफी अच्छा फ्लेयर यहाँ पे मिलने वाला है, और यहाँ पे भी 2 टायर आपको मिले, और नीचे डिफरेंट वाला फैब्रिक मिला है, जिसके कि यहाँ पे आपको बोथ साइड आपको ट्रायंगल लेस लगी हुई है। काफी अच्छी कुर्ती आपको मिली है। लेंथ की बात की जाए तो 48 आपको लेंथ मिलने वाली है। फ्लेयर भी काफी अच्छा है, साइड पे आपको इस तरह के टैसल लगे हुए मिलेंगे, मतलब आप इसको अच्छे से टाई अप कर लेते हैं तो फिटेड हो जाती है, या आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल लुक है इस वाली कुर्ती की। इस तरह की आपको नारकली मिलने वाली है। आप चाहो तो इसके साथ ग्रीन बॉटम, पिंक बॉटम, कोई भी लेगिंग है, मैंने इसको व्हाइट कलर के बॉटम के साथ वेयर किया, काफी अच्छी लग रही थी। जंक ज्वेलरी आप पेयर अप कर लीजिए तो गुड टू गो वाली कुर्ती है, फेस्टिवल में आप इसको भी यूज कर सकते हो। और बैक से आप देख सकते हो, तो पूरा वो प्रिंट वर्क आपको मिलेगा जो फ्रंट में, और नीचे डिफरेंट वाला फैब्रिक मिलेगा। तो काफी अच्छे प्राइस में मैंने ली थी, और जो भी साइजेस प्राइस होंगे स्क्रीन में शो जाएंगे। इस वाली पिट्टी सी कुर्ती को भी आप पिक कर सकते हो, ओवरऑल लुक काफी अच्छी आ रही थी, बाकी आपको ट्रायल में शो जाएगा, इसको भी आप बाय कर सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट। जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको ग्रीन दिखाई, जो कि आपकी मेहंदी फंक्शन के लिए भी यूज हो सकती है। सेकंड में आपको दिखा रही येलो कलर की कुर्ती, पूजा फंक्शन के लिए, जैसे कि किसी भी पूजा में आपको जाना है, कोई भी मतलब हल्दी फंक्शन है इस तरीके का है, तो उसमें आप पिक कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको सुपर सॉफ्ट रेयन मटेरियल मिलने वाला है। अगेन एल साइज मैंने पिक किया। फ्रंट में आप देख सकते हो जो नेकलाइन है, वहां पे फॉल्स मिरर की डिटेलिंग हो रखी है, और ये ब्लू पिंक से जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और उनके अंदर जो मिरर लगे उससे कुर्ती बहुत ही प्रिटी लग रही थी। साइड में गोटा पट्टी की डिटेलिंग आपको मिली है। अगेन ये आपको नायरा कट स्टाइल में मिली है, यहाँ से आपको यहाँ पे साइड स्लिट प्रोवाइड की गई है, तो नेक लाइन पे काफी अच्छा सा डिजाइन मिला। और येलो शेड में जो इस तरह का प्रिंट हो रखा है ना, वो भी काफी अच्छा इसमें उभर के आ रहा था, तो अच्छा कलर शेड है। पूजा फंक्शन के लिए डे में भी आप कैरी कर सकते हो, इसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लेंथ अगेन आपको 48 मिलने वाली है। स्लीव की बात की जाए, स्लीव 3/4 आपको मिलेंगे, और यहाँ पे गोटा पट्टी की डिटेलिंग आपको मिली, और गोटा पट्टी की यहाँ पे वर्क मिला जो इस तरह की आपको यहाँ पाइपिंग जा रही है। फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी है, सॉफ्ट रेयन आपको मिला है, साइड स्लिट प्रोवाइड की गई है, तो नायरा कट आपको रिसीव होगा इस तरीके से आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ आप आते हो, हेम पे भी इस तरह की 2 आपको गोटा पट्टी की, और एक ये पाइपिंग वाली लेस जा रही है जो कि रेड शेड से जा रही है, और ये भी आपको चारों तरफ मिली है इस तरीके से, ये मैंने देखा नहीं था। इस तरीके से आप देख सकते हो, साइड स्लिट भी अच्छे से यहाँ पे आपको पूरा गोटा पट्टी का वर्क मिला है, पूरा बोथ साइड आपको इस तरह का डिजाइन मिलने वाला है। तो ये फ्रंट पैनल में पूरा डिजाइन आपको मिला है, अच्छी कुर्ती है, इसको भी बाय कर सकते हो। एल साइज मैंने यहाँ पे पिक किया, जो भी आपका साइज है आप ट्राई कर सकते हो। बैक से बात की जाए तो इस तरीके का आपको पूरा यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक मिलने वाला है, और छोटा छोटा प्रिंट हो रखा था, इससे कुर्ती काफी अच्छी लग रही थी, और वेयर करने में भी सुपर कंफर्टेबल है, तो हाईली रिकमेंड करूंगी। पूजा फंक्शन के लिए आप ढूंढ रहे हो, इसको भी आप किसी भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो, तो इस तरह के आउटफिट मैंने पिक किया कि मतलब इजिली आप वेयर कर सको, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक रेयन की कुर्ती, जो कि काफी कलर शेड मीशो में थे, ब्लू वाला भी आया था। इस तरह का आपको अंगरखा पैटर्न में कुर्ती मिलने वाली, मतलब वी नेक यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बो बना हुआ मिल रहा है इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको बो मिल रहा होगा, मैं शो कर देती हूँ, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे टैसल लगे हुए मिले, तो अंगरखा स्टाइल में आपको ये कुर्ती मिलने वाली है। कलर शेड बहुत अच्छा, व्हाइट में ब्लू का मतलब क्लब करके डिजाइन अच्छा लग रहा था, और इस तरह के आपको यहाँ पे लोटस वाले फ्लावर मिलेंगे। एज ए ड्रेस वेयर कर सकते हो, या मैंने से व्हाइट बॉटम के
साथ क्लब किया है, ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट रहने वाली है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ काफी अच्छी लगेगी। क्वार्टर स्लीव्स आपको यहाँ पे मिले इस तरीके से, और यहाँ से आपका इतना फ्लेयर मिल जाएगा इस तरीके से, 45 लेंथ के साथ आएगा। और जो ये टैसल है वो आपके अंगरखा स्टाइल के यहाँ पे आपके शो होंगे, बाकी ट्रायन में आपको शो जाएगा। तो फ्रंट से इस तरीके से, बैक से पूरी इस तरह का आपको डिजाइन मिलने वाला है, पूरी प्रिंटेड कुर्ती है, लोटस पैटर्न आपको यहाँ मिल रहा है। और ब्लू में ना ये व्हाइट का जो डिजाइन था काफी उभर के आ रहा था, 2-3 शेड है इसमें, ग्रीन भी है, एक मूव कलर का है पर्पल सा, तो मैंने अभी ये लेटेस्ट वाले को पिक किया, अच्छी लग रही थी वेयर करने के लिए और काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिले, इसको भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रही है। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट, मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत प्रीटी सी कुर्ती, सुपर अफोर्डेबल प्राइस में जिस तरीके का मैंने वेयर किया, ये तो इंडो एरा ब्रांड का है और ये आपको मिलने वाली मीशो से, इस तरीके से आप देख सकते हो। ओनली कुर्ती आपको मिलेगी, इसमें आपको 5-7 कलर शेड मिल जाएंगे, एल साइज मैंने पिक किया तो 40 मुझे आता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। कॉटन ब्लेंड मटेरियल, लेकिन बहुत सॉफ्ट वाला मतलब आपको मटेरियल मिला, इजिली आप समर्स में कैरी कर सकते हो। अभी जैसे थोड़ी हल्की फुल्की ठंड आगे हो जाएगी तो उसमें भी आप इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिली है। लुक आप देख लीजिए कितनी अच्छी आपको यहाँ पे मिली है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला आपको यहाँ पे डिजाइन वर्क मिला, ऐसे नहीं है ना कि सीक्वेंस से चुभ रहे हो, बिल्कुल नहीं चुभ रहे, इस तरीके का आपको वर्क मिलेगा। नेकलाइन में पूरा डिजाइन आपको मिला, राउंड नेक की कुर्ती है, एल साइज मैंने पिक किया, फ्रंट लेंथ 46 के साथ आपको मिलेगी और काफी डिटेलिंग के साथ कुर्ती है। यहाँ पे आपको क्रोशिया की लेस मिली है, यहाँ पे भी आपको क्रोशिया की लेस मिली है, पिंक शेड में छोटे छोटे फ्लावर आपको मिले तो अच्छी लग रही थी, बेस इसका व्हाइट है, बाकी प्रिंटेड कुर्ती आपको मिली है, बहुत सारे कलर शेड है तो मैंने सोचा पिंक को पिक करके देखते हैं, सच में काफी अच्छी है। स्लीव की बात की जाए, 3-4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स में ऐसा कुछ नहीं मिला, पूरी प्रिंटेड कुर्ती आपको मिली है, ग्रे भी इसमें काफी अच्छा लग रहा था। बैक से पूरी इस तरीके से आपको प्रिंटेड कुर्ती मिलने वाली है, व्हाइट बॉटम के साथ वेयर कर सकते हो, अच्छी लगने वाली है पिंक लेगिंग के साथ। तो ये रही मेरी कुर्ती जो कि फेस्टिवल के लिए बेस्ट है, इसको भी आप बाय कर सकते हो, सुपर अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगी, फैब्रिक काफी अच्छा है इसका। नेक्स्ट कुर्ती भी बहुत ट्रेंडी है, सारे आउटफिट मतलब ट्रेंडिंग है मीशो में, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिलेगी और ये लहरिया पैटर्न में आपको मिलने वाली है, ऐसे मैंने पिक किया, अगेन रेयन का फैब्रिक आपको मिलेगा, योग पार्ट में आपको इस तरह का पूरा जरी वर्क मिलने वाला है, पूरी नेकलाइन पूरी एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको मिली है, जरी वर्क मिला है और पर्पल में सिल्वर का ना काफी उभर के आ रहा था, इस तरीके से आपको कुर्ती मिलने वाली है। अगेन ये आपको नायरा कट में मिलेगी, इस तरीके से आपको यहाँ पे साइड स्लिट दी गई है। लेंथ की बात की जाए तो 48 आपको यहाँ पे लेंथ मिल रही है इस तरीके से। स्लीव्स की बात की जाए, 3-4 स्लीव्स आपको मिलेंगे, अगेन यहाँ पे पूरी आपको डिटेलिंग मिली है जो कि जरी वर्क सिल्वर से हो रखी है, तो पर्पल में सिल्वर वर्क काफी अच्छा लग रहा था। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट, यहाँ से आपका फ्लेयर मतलब कुर्ती की जो फ्रंट का पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, और साइड स्लिट में ना आपको फ्रंट पार्ट में इस तरह की डिटेलिंग मिली है जो कि आपके साइड स्लिट में आएगी, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सिर्फ साइड में आएगी, नीचे कुछ नहीं मिला है। बैक से कुर्ती पूरी आपको लहरिया पैटर्न में मिलेगी, इसमें भी काफी सारे कलर शेड है तो मैंने यहाँ डार्क पर्पल को पिक किया, तो जो भी कलर शेड आपको पसंद है पिक कर सकते हो, एल साइज मेरे पास है और जो भी आपका एग्जैक्ट साइज है आप बाय कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छी लग रही थी पहनने के लिए, फेस्टिवल में सुपर अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा इसके साथ रेडी हो सकते हैं, तो इसको भी डेफिनेटली मैं बोलूंगी बाय कर सकते हो। रेयन का फैब्रिक काफी अच्छा, सॉफ्ट मटेरियल आपको मिला और मतलब कंफर्टेबली आप होल डे इसको वियर कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे ही काफी अच्छे हैं, तो जो भी आपको पसंद आ रहा है बाय कर सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट, मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक अगेन कुर्ती, मतलब इस तरह की कुर्ती है ये, मैंने लिबास में देखी थी तो वह तो बहुत प्राइसी थी, इस तरीके से आपको मिलने वाली है और शायद मैंने उसका रिव्यू भी किया था, अभी मुझे याद नहीं है, तो मीशो में दिखी मैंने कहा ट्राई करते हैं, सच में काफी अच्छी कुर्ती है, इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा है, रेयन का आपको मिलेगा, राउंड नेक की कुर्ती आपको मिलेगी, योग पार्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा गोल्डन कलर से आपको एम्ब्रॉयडरी मिली है इस तरीके से, तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो मुझे काफी अच्छी लगी और वेयर करने पे भी सुपर कंफर्टेबल थी। इस तरीके से आपको यहाँ पे नायरा कट मिलने वाली है, साइड स्लिट पे भी आपको यहाँ पे लेस की डिटेलिंग मिलेगी और इस तरह का बंदनी पैटर्न आपको मिला, कलर बहुत अच्छा फ्यूशिया पिंक आपको यहाँ पे मिला है और इस तरीके से डॉट डॉट वाला डिजाइन मिल रहा है। स्लीव्स की बात की जाए, 3-4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी आपको गोल्डन गोटा पट्टी का वर्क मिला है और योग पार्ट तो आपने देख लिया इस तरीके से आपको मिलेगा, एल साइज मैंने पिक किया, यहाँ से आपका पूरा फ्रंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको पूरा प्रिंटेड कुर्ती मिली है, साइड स्लिट में आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिली है। लेंथ की बात की जाए, अगेन 46 से ज्यादा आपको मिली है, आप इसको मिक्स एंड मैच करके वेयर कर सकते हो पिंक बॉटम के साथ व्हाइट बॉटम के साथ। बैक से बात की जाए तो पूरा बंदनी पैटर्न आपको इस तरीके से मिलने वाला है और यहाँ पे भी आपको ना कुछ नहीं मिला है, इस तरीके से पूरा सॉलिड जैसा डिजाइन फ्रंट में मिला वो मिला, फ्रंट पैनल में ही आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिली है, ये भी काफी कम प्राइस में, इसको भी आप बाय कर सकते हो। एल साइज मैंने पिक किया, फैब्रिक है रेयन जो कि काफी अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट वाला आपको यहाँ पे मिलने वाला है, प्रिंटेड कुर्ती है और इसकी भी आप रेटिंग चेक कर सकते हो और डेफिनेटली इसे भी बाय कर सकते हो, वेयर करने का काफी अच्छी लग रही थी, बाकी ट्राई ऑन शो हो जाएगा, प्राइस साइज सब आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी
एक और कुर्ती जो कि सिमिलर थी लिबास के, मोन टू नेक्स्ट कुर्ते। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस हॉल के ही सबसे कॉस्टली कुर्ता सेट है जो कि जस्ट मुझे रिसीव हुआ था, मैंने कहा इंक्लूड कर देते हैं, किसी को भी पसंद आ रहा है बाय कर सकते हो। फर्स्ट आप लुक देख लीजिए, ये तो आपको कुर्ती मिलेगी, ये इसका दुपट्टा हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। तो कुर्ती से स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की बात की जाए तो जॉर्जेट फैब्रिक में आपको कुर्ती मिलेगी और यहाँ पे मैंने एल साइज पिक किया, बिल्कुल फिटेड मुझे आया है, तो आई थिंक ये शायद एम हो सकता है, तो जो भी आपका साइज है आप उसको देख लेना चेक करके। तो मुझे काफी अच्छी फिटिंग आई है इसकी, बिल्कुल फिट हो गया था। इस तरीके से आप देख सकते हो योग पार्ट में पूरा आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिला है और काफी ट्रेंडी कुर्ती है, काफी सारे रिव्यूज मैंने इसके देखे थे और काफी सारे लोगों ने इसे बाय भी कर रखा है। इस तरीके से आपको मिलेगा किसी भी पूजा फंक्शन के लिए, करवा चौथ के लिए चाहिए, आपको वेडिंग अटेंड करनी है, एज ए आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो डेफिनेटली पिक कर सकते हो। जॉर्ज फैब्रिक में आपको मिला तो आपको काफी स्लिम शो करने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे मोटिफ्स आपको मिल रहे हैं और कुर्ती की लेंथ ना काफी अच्छी है, जैसे डिजाइनर पीस होते हैं ना, तो लेंथी आपको यहाँ पे कुर्ती मिले इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के मोटिफ्स आपको मिल रहे हैं जो कि गोटा पट्टी का वर्क आपको प्लस सीक्वेंस मिला है, और नीचे की तरफ आते तो आप देख सकते हो कितना भर भर के आपको यहाँ पे काम मिला है। इस तरीके का पूरा चौड़ा वाला बॉर्डर आप बोल सकते हो जो कि पूरा भरा हुआ आपको यहाँ पे मिल रहा है सीक्वेंस के साथ, जरी वर्क के साथ, और ये प्रिटी सी यहाँ पे लटकन लगी हुई मिली है जो कि गोल्डन कलर से आपको, काफी अच्छी लग रही थी। कलर शेड बहुत अच्छा, मतलब पिंक शेड इतना खिलके आ रहा था ना, तो मुझे तो काफी पसंद आई ये वाली कुर्ती। जॉर्जेट फैब्रिक में आपको मिली है, अभी इसकी डिटेलिंग और भी है। स्लीव्स की बात की जाए तो स्लीव देखिए आप, यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट आपको मिल रही होंगी, कोई लाइनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का आपको पूरा जरी वर्क, गोटा पट्टी का वर्क और इस तरह की लटकन लगी हुई मिली है, जिससे कुर्ती काफी अच्छी लग रही थी। जॉर्जेट का फैब्रिक है तो फ्रंट बैक पैनल में आपको लाइनिंग लगा हुआ है। लेंथ की बात की जाए तो 46 अबव लेंथ मिली है, इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा लाइनिंग लगा हुआ मिला है क्रेप मटेरियल का। ये तो हो गया इसका फ्रंट पार्ट जो कि हैवी डेकोरेटेड आपको मिला है। बैक से बात की जाए तो इस तरीके से सॉलिड जॉर्जेट आपको मिलेगा, लेकिन जब बैक में आप जाओगे ना तो उसके नीचे वाले जो पैनल है उसमें भी आपको ये वाला फैब्रिक मिलेगा। तो फैब्रिक में ये पूरा मतलब कहीं से ज्वाइंट नहीं है, पूरा इसी फैब्रिक में नीचे वाले इसमें ये बॉर्डर वाली एम्ब्रॉयडरी पूरी आपको मिल रही है। क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छी हो रखी, नीटली डिजाइन हो रखा है यहाँ पे इस वाले वर्क से, तो अच्छी कुर्ती है। तो ये तो हो गई कुर्ती जो कि आपको काफी प्रिटी रिसीव होने वाली है, पूरी फ्रंट पैनल अच्छा सा डेकोरेटेड आपको मिला है, बाकी आपको ट्राई ऑन में शो जाएगा। तो ये तो रही मेरी कुर्ती, अब इसका बॉटम शो करती हूँ। बॉटम की बात की जाए अगेन जॉर्जेट फैब्रिक में आपको मिलेगा, लाइनिंग लगा हुआ मिल रहा है इस तरीके से, और जॉर्जेट की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। नीचे की तरफ आओगे तो अगेन आपको इस तरीके से लटकन लगी हुई मिली थी और हेम पे पूरी एम्ब्रॉयडरी मिली थी जो आपको कुर्ती में मिली है। कुर्ती में थोड़ा बॉर्डर चौड़ा मिला था, बॉटम में थोड़ा छोटा मिला, तो नैरो काइंड आपको यहाँ पे पैंट मिली है, अच्छी लग रही थी ओवरऑल लुक, मतलब बस मुझे फिटेड आई है ये। अब मुझे नहीं पता कि ये एम साइज मुझे दिया है या एल ही उनका इतना फिटेड है, तो बाकी आप चेक कर लेना। दुपट्टे की बात की जाए, दुपट्टा जॉर्जेट का आपको मिलेगा, 2 मीटर का दुपट्टा मिल रहा है, इतनी आपको विड्थ मिली है, बहुत ही प्रिटी सा दुपट्टा आपको मिल रहा है आप देख सकते हो इस तरीके से, और चारों तरफ ये बॉर्डर लगा हुआ मिल रहा है जो कि पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस तरीके से, और बीच में इतने आपको प्रिटी से मोटिव मिल रहे हैं। तो 2 मीटर का दुपट्टा मिला है लेकिन अच्छा लगता, साइड में आप डाल सकते हो, कुछ अच्छा सा स्टाइल आप इसके साथ ले सकते हो। तो इस तरीके का आपको दुपट्टा मिला था, अच्छा मटेरियल है, जो भी इसके प्राइस होंगे आपको स्क्रीन में छोड़ेंगे। तो जो भी आउटफिट आपको पसंद आ रहा है कोई भी बाय कर सकते हो, और लुक काफी अच्छी आ रही थी, इसको भी आप बाय कर सकते हो। इससे सिमिलर ऑप्शन भी मैं आपको दे दूंगी, अगर अनदर कलर होंगे तो उनको भी आप पिक कर सकते हो। बाकी मीशो से अगर आपको बाय करना है तो उनकी रेटिंग और रिव्यूज को देखते हुए किसी आउटफिट को बाय करना, अगर उसमें कुछ भी रिव्यूज नहीं दे रखे और उस सेलर के एक दो प्रोडक्ट लगे तो उससे बाय मत करना। उस सेलर के अगर आपके वहां पे दिखता है कि 20-50 प्रोडक्ट हो रखे हैं और नीचे रिव्यूज भी है, रेटिंग भी अच्छी है, देन आप उससे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जो भी आपको आउटफिट पसंद आ रहे हैं उन्हें बुक करा लीजिए, और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी वीडियो चैनल में आने वाली है, और आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो जिनमें रिव्यूज आपको मिल जाएंगे और आप बाय कर सकते हो वो लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।